नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं क्लब आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यहां पर सारी कंपनियां बड़े बड़े कैमरा फोन लेकर आ रही है, ऐसे में ओप्पो क्यों पीछे रहे। इसी के साथ ओप्पो भी अपना एक बड़ा कैमरे वाला 48 मेगापिक्सल कैमरे के साथ लेकर आ रहा है, ओप्पो F11 प्रो। इसमें आपको मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा। तो इस फोन की पूरी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें। इसका जो स्क्रीन साइज है वो है 6.5 इंच का, और जो इसके पिक्सल डेंसिटी है वो है 396 ppi, और इसके साथ ही आपको इसमें IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगा। अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें जो चिपसेट है वो है MediaTek Helio P70 में मिलने वाला है। इसके साथ में आपको ऑक्टाकोर 2.1 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर भी मिल जाएगा, और इसके साथ ही आपको इसमें ग्राफिक्स के लिए माली G72 MP3 मिलने वाला है, यानी कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की होने वाली है। अगर इसकी रैम की बात की जाए, इसमें आपको 6 GB की रैम मिल जाएगी, और जो इंटरनल स्टोरेज है वो है 128 GB, जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो 256 GB तक। अब अगर इसके मेन दोस्तों कैमरा की बात की जाए, इसमें पीछे की तरफ ड्यूल रियर कैमरा मिलने वाला है, एक 48 मेगापिक्सल का और दूसरा 5 मेगापिक्सल का। अगर इसके सेल्फी फ्रंट कैमरे की बात की जाए, ये है 32 मेगापिक्सल का आपको मिलने वाला है, और अगर इसके अब बैटरी की बात की जाए, इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी विद क्विक चार्जिंग। और दोस्तों इसके अलावा आपको इसके पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। अब लास्ट में अगर इसकी लॉन्चिंग की बात की जाए, ये फ़ोन 5 मार्च को इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, और जिसकी प्राइसिंग है वो है 35,990 रुपये। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये फोन, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।